हमारे लिए ना ये किसी मंदिर से किसी मस्जिद से कम नहीं है जिसकी मैं पूजा करता हूँ, जिसकी मैं इबादत करता हूँ। जी गांधी जी लैपटॉप और मोबाइल लेके आए थे ना, आज की सत्ताधारी पार्टी तो उस समय भी उनका विरोध कर रही थी। अब हमें राजीव गांधी जी की उपलब्धियों को बताना है। आज जो स्थिति है वो सबको पता, कोई बताने की बात है नहीं। महिला सुरक्षा बल विकास अधिकरण के द्वारा निकाली गई राजीव गांधी की सद्भावना रैली, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की जयंती पर निकाली गई सद्भावना रैली, जिसके चेयरमैन रहे अरुण कुमार त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष सहायक विवेक कुमार सिंह एवं सचिव राम सुंदर दुरिया, सहयोगीगण में विशाल सिंह, सूर्यवान सिंह, इंद्रपाल राजकुमार, इंद्रपाल पंकज व अन्य सहयोगीगण थी। जिस रैली को सागढ़ कुटीवा जो कि वहाँ पे बनाया गया है उनका केंद्र, वहीं से निकाली गई रैली और उसी के साथ रामपुर कुरमियाने होते हुए लंबुआ बाईपास तक ले जाया गया और वहीं से घुमा दिया गया इस रैली को, क्योंकि लंबुआ मार्केट के अंदर प्रवेश करने के लिए डीएम से आदेश पारित नहीं हो पाया था, जिसके कारण इस रैली को वहीं से घुमाकर फिर से वापस लाके अपने केंद्र पे समापन किया गया, जिसमें काफ़ी लोग एकत्रित होकर इस रैली को सहयोग दिए और राजीव गांधी की जयंती पर सभी ने राजीव गांधी को याद भी किया। और भी जी बातें हुई जो कि चेयरमैन जी से, आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। राजीव गांधी अमर रहे, राजीव गांधी अमर रहे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, बोलो बजरंगबली की जय।
हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड, इस वक्त आज का 20 अगस्त है और 20 अगस्त 1944 में श्री राजीव गांधी जी का जन्म हुआ था, जो कि हर पूरे देश में सभी कांग्रेस पार्टी वाले इसको राजीव गांधी की जयंती के नाम से मनाते हैं। और कहते हैं एक दुर्घटना में उनकी डेथ भी हो गई थी, तो 21 मई 1991 में तो दुखद दुर्घटना हुआ था। हमारे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री वो माने जाते हैं और हमारे देश के 7वें प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो भैया से हम बात करेंगे कि राजीव गांधी के बारे में हमें अच्छी जानकारी दें और ये प्रोग्राम क्या करने वाले हैं प्रोग्राम में उसके बारे में जानकारी दें। भैया अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम अरुण त्रिपाठी है, मैं महिला सुरक्षा बाल विकास अधिकरण का चेयरमैन हूँ और इस संस्था के माध्यम से हमने राजीव गांधी जी की उपलब्धियों के बारे में पूरे देश में बताना है कि राजीव गांधी जी ने इस देश के लिए क्या क्या दिया। अगर हम बात करते हैं मोबाइल लैपटॉप की बात, तो राजीव गांधी जी को हम आधुनिक, जो आज आधुनिक युग के उनके नेता मानते हैं, उन्हीं की देन है। लेकिन जब ये राजीव गांधी जी लैपटॉप और मोबाइल लेके आए थे ना, आज की सत्ताधारी पार्टी तो उस समय भी उनका विरोध कर रही थी, लेकिन आज सबसे ज़्यादा यूज वही कर रहे हैं। तो हमारा विषय इस यात्रा का, राजीव गांधी सद्भावना यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा हमारा जारी रहेगा, पूरे देश में जारी है। और इस यात्रा से एक संदेश देना है कि राजीव गांधी जी ने देश के प्रति, 5 साल ही प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उस 5 साल में उन्होंने वो कर दिया कि जिसकी कल्पना भारत नहीं कर सकता था, वो 5 साल में उन्होंने करके दे दिया। आज इस युग में कोई भी व्यक्ति एक टाइम का खाना ना खाए तो रह सकता है, लेकिन मेरा मोबाइल के नहीं रह सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें अपडेट है उसी पे, सोशल मीडिया पर हम भी हैं, आप भी हैं, सब देखते हैं, एक दूसरों को कनेक्ट कर दिया है, जोड़ दिया है। तो ये राजीव गांधी जी की देन है। और राजीव गांधी जी की दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, आधार कार्ड से लेके, और युवाओं को अगर देखें, पहले जो था वोट देने का जो मताधिकार था वो 20 साल का था, राजीव गांधी जी 21 साल का था, तो राजीव गांधी ने उसे 18 साल किया। ये सबसे बड़ी युवाओं के लिए उपलब्धि थी। बस आज उनकी जयंती पे मैं यही कहूँगा, काश राजीव जी जिंदा होते। नहीं, सच है कि राजीव गांधी की छवि बहुत ही साफ और बहुत सुंदर थी और बहुत ही सीधे विचार के थे। वो राजनीति में पहली बात तो आना ही नहीं चाहते थे। उनकी पत्नी, धर्म पत्नी जो एंटोनियो मैन्यू थी, उनके शादी के बाद उनका नाम चेंज करके सोनिया गांधी रखा गया, क्योंकि भारतीय संस्कृति में सरल स्वभाव नाम वैसे भी जो है हम लोगों को भाता है, तो उनको भी राजनीति से दूर वो भी रहना चाहती थी, लेकिन कुछ दुर्घटनाओं के चलते उन्हें राजनीति में कदम रखना पड़ा। लेकिन उन्होंने राजनीति का जो है काफ़ी रुख ही चेंज करके रख दिया। जैसे भैया ने कहा कि कंप्यूटराइज सिस्टम, कंप्यूटर का आधुनिकीकरण उन्होंने ही किया था, मोबाइल सेंटर MTNL का भी कार्य उन्होंने ही शुरू करवाया था, और हमारे यहाँ जिला पंचायती जो राज चलता है, जो RTR कहे जाता है, वो भी राजीव गांधी की ही देन थी। तो हम भैया से देखेंगे और इनके हर एक प्रोग्राम का वीडियो पूरी तरह से आप सभी को दिखाएंगे कि आज ये क्या क्या करने वाले हैं। तो धन्यवाद भैया, और कुछ बताना चाहेंगे? आज हमारा जो कार्यक्रम है भारत जोड़ो राजीव गांधी सद्भावना यात्रा, मैं लम्भुआ विधानसभा में पूरा, और कोशिश करूंगा पूरे डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर में इस यात्रा हमारी जारी रहे। आज हम शुभारम्भ कर रहे हैं इसका, और हमें राजीव गांधी जी की उपलब्धियों को बताना है। आज जो स्थिति है वो सबको पता, कोई बताने की बात है नहीं, लेकिन ये है कि आज इस यात्रा का सबसे बड़ा लक्ष्य हमारा ये है कि जो लोग राजीव जी की नीतियों से दूर हट गए थे, दूर चले गए थे, और कुछ ऐसे जनता जो हमारे वोटर हुआ करते थे, कुछ नाराज़गी से दूर हो गए थे, हम उनको एक जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं सद्भावना यात्रा से, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से। तो भैया जो है कह रहे हैं जो भी वोटर इनके हटे हुए थे उनको सद्भावना यात्रा से जोड़ना चाहेंगे, लेकिन अब क्या जानते हैं कि जो है अभी कोई कांग्रेस में ऐसा है जो राजीव गांधी जी का जगह ले पाए या इंदिरा गांधी जी की जगह ले पाए, ऐसा कोई व्यक्ति दिख रहा है? गांधी परिवार की अगर जगह की बात करें कि तो गांधी परिवार की जगह कोई नहीं ले सकता है, वो गांधी परिवार ही ले सकता है और कोई नहीं। आज की डेट में राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं। अब जैसे मैं राहुल जी, प्रियंका जी तो छोड़िए, मैं अपनी बात बताता हूँ, हमारे लिए ना ये किसी मंदिर से, किसी मस्जिद से कम नहीं है जिसकी मैं पूजा करता हूँ, जिसकी मैं इबादत करता हूँ। काम तो मैं दिल्ली में करता हूँ, लेकिन आधा मन जितना भी होता है हम लम्हुआ विधानसभा के बारे में सोचते रहते हैं, मैं इसकी पूजा करता हूँ और इबादत करता हूँ। ठीक है भैया, कि मैं हर चीज़ जो भी आज करेंगे, जिससे भी मिलेंगे,
जो भी प्रचार होगा हम पूरी वीडियो हम आप सभी को दिखाएंगे। और यहाँ पे हमारे जितने भाई भी हैं हम इनसे भी नाम पूछते हैं। तो भैया अपना नाम बताइएगा। इंद्रपाल यादव। तो इंद्रपाल यादव आप कहाँ के हैं? हम लुटिया के। भैया अपना नाम? उमेश कनौजिया लुटिया से हैं। विवेक सिंह जमखुरी। सूर्य भैया यादव लुटिया। राजकुमार माली लुटिया। तो आपने किस चीज़ का ड्रेस पहना हुआ है बता सकते हैं? मैं कांग्रेस का टी शर्ट पहना हुआ हूँ। मैं राहुल गांधी जी का जो है काफ़ी फैन हूँ। भैया से जुड़ी हर चीज़ मुझे सुविधा मिलती है और मैं चाहता हूँ भैया जी और साथ में हमारे राहुल गांधी जी भी आगे बढ़ें। धन्यवाद। चलो ठीक है भैया, सभी राहुल गांधी जी के फैन हैं और कांग्रेस से काफ़ी लोग समर्थन भी रखते हैं, हम भी रखते हैं, ऐसा नहीं है। काफ़ी लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि पहले उनके जो भी पीढ़ी रही है वो देश के लिए कुछ न कुछ करके गई है।